skunk. भाई साहब इतना तगड़ी साउंड, इसकी इतनी तगड़ी बीट, सीरियसली आई लव इट यार। भाई 300 रुपए में इतनी तगड़ी साउंड। भाई साहब गदर यार। भाई पहले क्यों नहीं मिली ये? व्हाट्सएप गाइस, तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं टेक इन मिनट्स। तो दोस्तों मैंने क्या देखा इंटरनेट पे कि शाओमी के 300 रुपीज में एक ईयरफोन देखने को मिल रहे हैं डिसेंट स्टाइलिंग के साथ। तो मैंने सोचा आई शुड ट्राई इट, तो मैंने उसे कर लिया अमेजन से ऑर्डर। तो दोस्तों मैं उसे करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग और उसकी टेस्टिंग की कैसी वो ईयरफोन हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली। तो दोस्तों जिससे आपको मिल जाए ट्रू रिव्यू और आपको पता चल जाए ये जो ईयरफोन है ये वर्थ इट है या नहीं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग से और फिर मैं इसका रिव्यू दूंगा, इसकी टेस्टिंग करके कि ये ईयरफोन कैसी है। सो लेट्स गेट इन द वीडियो। तो दोस्तों बात करते हैं इसके बॉक्स की। तो हमें यहाँ पर सबसे ऊपर देखने को मिलता है एमआई ईयरफोन बेसिक्स विद माइक अल्ट्रा डीप बेस। तो दोस्तों ये जो Xiaomi का जो प्रोडक्ट है इसकी जो टिपिकल स्टाइलिंग हमें ईयरफोन की देखने को मिलती है इसी के बॉक्स के ऊपर, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि इसके इन ईयर ईयरफोन है। और इसके लेफ्ट साइड की बात करो और इसके राइट साइड की बात करो तो इसमें सेम थिंग लिखी हुई है एमआई ईयरफोन बेसिक विद माइक। तो दोस्तों ये ईयरफोन हमें यहाँ पर माइक के साथ देखने को मिलने वाली है। इसमें हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक रेड कलर में और एक ब्लैक कलर में। तो ये दोस्तों मैंने ब्लैक कलर का ये पीस मंगवाया है क्योंकि ये ज्यादा डिसेंट कलर हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम बात कर लेते हैं बॉक्स के पीछे की कुछ डिटेल्स की। तो यहाँ पर हमें एम आई ईयरफोन बेसिक की कुछ डिटेल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि हमें यहाँ पर MRP देखने को मिलती है 599, लेकिन ये दोस्तों हमें देखने को मिल जाएगी 300 के आसपास। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इसके लेंथ की बात करूँ तो यहाँ पर 1.25 मीटर हमें यहाँ पर इसकी लेंथ देखने को मिलती है और ये ब्लैक कलर का वेरिएंट मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो दोस्तों मैं यहाँ पर करता हूँ इसकी सील को ब्रेक और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें जो ईयरफोन देखने को मिलती है वो हमें यहाँ पर ईयरफोन कैसी देखने को मिलने वाली है। MI की ईयरफोन्स अनबॉक्स करने के बाद मैं देने वाला हूँ आपको एक ट्रू रिव्यू जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये वर्थ है या नहीं। तो कर लेते हैं फटाफट इसे अनबॉक्स। तो दोस्तों हमें जो इंटरफेस देखने को मिलता है MI ईयरफोन बेसिक्स का, तो उसका हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो मैं इसको यहाँ पर फटाफट निकाल लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ यूज करके कि ये मेरे को कैसी लगी और इसके जो फीचर्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं वो कैसे इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बर्ड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारे ईयर्स के हिसाब से इसके अंदर जो फिट हों वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो बेसिक्स जो इसके अंदर आते हैं मीडियम साइज के वो इसके अंदर ऑलरेडी लगे हुए हैं। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही बढ़िया देखने को लग रही है। इसकी बिल्कुल टैंगल फ्री वायर हमें यहाँ पे इसके देख रही है। तो दोस्तों एक ही बारी में ये बिल्कुल निकल जाती है सारे के सारे, कोई प्रॉब्लम मुझे इसके अंदर नहीं हो रही है। बात करता हूँ यहाँ पर मैं इसके बर्ड्स की, तो ये जो बर्ड्स हैं ये बहुत ही ज्यादा डिसेंट क्वालिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पे बात करूँ तो हमें यहाँ पर प्लास्टिक में हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने को लग रही है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया मुझे यहाँ पर देखने को लग रही है। तो यहाँ पर टूटने वगैरह का मुझे कोई सीन इसके अंदर लग नहीं रहा। आगे जाके हमें वियर एंड टियर वाले यहाँ पर कुछ फेस करने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर जो बनाई गई है बहुत ही ज्यादा स्मूथ बनाई गई है। और सामने की तरफ हमें यहाँ पर एक बटन देखने को मिलता है जिससे हम अपनी म्यूजिक को और कॉल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हिस्सा जो है इसका है ये बहुत ही अच्छे से फिट हो जाता है कान के अंदर, जो कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज इसकी लगती है। इसी वजह से हमारे कान के अंदर कोई इचिंग वगैरह या फिर कोई इरिटेशन हमें यहाँ पर फील होने को नहीं देखने को मिलती। ऑन एंड ऑल ये जो ईयरफोन है ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे इस प्राइस पॉइंट पे। तो दोस्तों जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। सीरियसली अगर मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल टैंगल फ्री है, इसके अंदर मुझे बिल्कुल भी इरिटेशन या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। डिटेल्स की अगर मैं इसकी बात करूं तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ बनाई गई है। और दोस्तों अगर इसकी बात करूं ईयर फिट की तो ये बिल्कुल फिट इसके अंदर मुझे यहाँ पर लग रही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नहीं लग रही है, एकदम फिट। मुझे बाहर की कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है बिल्कुल भी। कर लेते हैं इसे फटाफट यूज। तो इसकी क्वालिटी है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि इसकी क्वालिटी हमें कैसी देखने को मिली है। अब मेरे OnePlus के डिवाइस में गड्ढा तो है नहीं, तो मुझे दूसरा डिवाइस यहाँ पर यूज करना पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सुनने वाला हूँ इसमें कुछ म्यूजिक और मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो म्यूजिक है वो कैसा हमें सुनने
सुनने को मिलता है। जो इसके बीट्स हैं वो हमें इसकी बीट्स कितनी अच्छी यहाँ पर कितनी रिलायबल हमें यहाँ पर बीट्स इसकी देखने को मिलती हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है गाना मैं जो सुन रहा हूँ ये मैं हरियाणवी सॉन्ग सुन रहा हूँ जिसमें बेसिक इसकी जो बीट्स होती है वो बेसिक होती है कि इसके अंदर ज्यादा ना बेस होता और ज्यादा ना ट्रिबल होता। तो एक बेसिक गाना मैं इसके अंदर सुन रहा हूँ। तो जो दोस्तों अगर मैं इस गाने की अगर मैं बात करूँ तो ये जो गाना है ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ मुझे इसमें सुनाई दे रहा है। तो दोस्तों इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को लग रही है, इसको मैं फुल वॉल्यूम पर सुन रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर जो अल्ट्रा डीप बेस हमें यहाँ पर जो बोला गया है वो इसके अंदर अल्ट्रा डीप बेस है या नहीं उसकी टेस्टिंग और मैं कर लेता हूँ एक बेस वाला गाना चला के इसके अंदर, जिससे मुझे और आपको ये पता चल जाए कि इसके अंदर जो बेस है वो कितना अच्छा है। भाई साहब इतना तगड़ी साउंड इसकी, इतनी तगड़ी बीट, सीरियसली आई लव इट यार। भाई 300 रुपए में इतनी तगड़ी साउंड, भाई साहब गदर यार। भाई पहले क्यों नहीं मिली ये? भाई ये 300 रुपए की है सीरियसली? तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि ना डिपेंड करता है कि गाना कैसा है। इससे पहले मैं एक हरियाणवी सॉन्ग सुन रहा था तो मुझे वो वाली फीलिंग इसके अंदर नहीं आई थी, तो मुझे उसमें बेसिक सी फीलिंग आई थी कि हाँ ठीक ठाक है 300 रुपए में है तो इसमें क्या हमें अच्छा देखने को मिल जाएगा। लेकिन बेस वाला गाना इसके अंदर मैंने प्ले करके देखा तो सीरियसली इसके अंदर एक अलग ही क्वालिटी मुझे देखने को सुनने को मिली। सीरियसली यार आई कांट बिलीव ये सिर्फ 300 रुपए की शाओमी। तो दोस्तों आपको अगर मूवीज देखने के लिए गाने सुनने के लिए एक बेसिक ईयरफोन चाहिए तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मैं यूज करता हूँ ज्यादातर मेरे रियलमी के जो वायरलेस बड्स हैं और इसी के अलावा मेरे जो एप्पल की जो ईयरफोन है ज्यादातर मैं उन्हीं को यूज करता हूँ। बट सीरियसली आई एम हैप्पी विद दिस। वेट आई विल शो यू माय रियलमी बड्स वायरलेस। आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम लास्ट ईयर। जो MI की जो ईयरफोन्स है इसके अंदर मुझे सेम बीट्स और सेम क्वालिटी मुझे देखने को मिलती है जबकि वो 1800 की ईयरफोन्स है और ये सिर्फ 300। सो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन अदर ईयरफोन्स। आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मुझे बढ़िया लगे। आपकी हर एक जो सेटिस्फेक्शन जो इसके अंदर है वो इसके अंदर फुलफिल हो जाएगी म्यूजिक सुनने की। तो दोस्तों डब्बे का रंग भी लाल है और जो हमारा चैनल का जो सब्सक्रिप्शन बटन है उसका रंग भी लाल है। कैसे कैसे जोक्स मार रहे हैं यार आज मैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए वीडियोज के साथ।